गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है क्या, क्लास 12 का और जेई और नीट के लिए तो पॉपुलर है ही। उसमें एक टॉपिक आता है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस, इसमें बच्चा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग कौन सा होगा, जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, तो माइनस चार्ज होगा तभी तो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दो पार्ट, SN1 एंड SN2, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा मेनली डिफरेंस, इससे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो बात करता हूं। सबसे पहले देखो बेटा, इसको डिवाइड करो दो पार्ट में, और फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन, लेफ्ट साइड में SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन का देखो एग्जांपल आ गया, इसमें देखोगे बच्चे, देखो क्या है, क्लोरोमीथेन दिख रहा है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन को अगर पीछे पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, OH-, ठीक है, तो पीछे से अटैक कर रहा है। तो बच्चा देखो, जैसे जैसे पीछे से अटैक करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, जैसे जैसे पीछे से जाएगा वैसे वैसे आगे से क्लोरीन निकलता जाएगा, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट स्टेज आ रहा है, दिख रहा है, उसके बाद फाइनली OH अटैच हो गया और क्लोरीन सेपरेट हो गया, तो रिएक्शन दिखा। तो इसमें देखना बच्चा, ये है SN2 रिएक्शन। अब क्यों SN2, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। दूसरा देखो बच्चा, दूसरा क्या है, SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन में अब देखो आगे क्या दिख रहा है, SN1 रिएक्शन का रिएक्शन, इसमें भी देखो बच्चे क्या है, क्लोरो नहीं, यहां पे ब्रोमो है, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अब ब्रोमोमीथेन में देखोगे बच्चा, एक बार ब्रोमीन सेपरेट हो रहा है, ब्रोमीन सेपरेट होने के बाद देखोगे बच्चे कैटायन बन रहा है, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, एक बार कैटायन बन गया तो ये एक स्टेप हुआ, उसके बाद पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन सा, वही OH, ठीक है, OH अटैक करेगा। कहने का मतलब बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल बन जाए, सॉरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, उसके बाद अगर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स OH-, ठीक है, तो होगा SN1। और पहले केस में देखो सेपरेट नहीं हुआ, पहले से ही अटैक हो रही, धीरे धीरे पास जा रहा है, जैसे जैसे धीरे पास जाएगा उधर से क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन जो भी है वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगेगा। तो ये एक मेरा रिएक्शन है, ठीक है। अब चलो बच्चे, मैं रिएक्शन को और थोड़ी से अच्छी तरह से डिफरेंस के फॉर्म में समझता हूं। देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंस को बात करो, डिफरेंस को पहला पॉइंट क्या है बच्चा, SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन हमेशा होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो बेटा SN2 हमेशा होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और SN1 होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 सेकेंड ऑर्डर, SN1 फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो बच्चा, SN2 में दो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट के लिए, दो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एक रिएक्टेंट, ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, OH है और दूसरा जो मीथेन का ग्रुप है वो, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट के लिए, किसमें, SN2 में, ठीक है। और उसमें देखो सिर्फ एक ही है, फर्स्ट स्टेप में देखो सिर्फ एक ही है, दिख रहा है। तो बच्चा देखो इसमें क्या हो रहा है, SN2 में दो रिएक्टेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड बाय मॉलिकुलर, SN2 इज बाय मॉलिकुलर, SN1 इज यूनी मॉलिकुलर, एक मॉलिकुल से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। SN2 जो होता है बेटा सिंगल स्टेप में होता है, एक स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में हो जाएगा,
दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप में एक बार में प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, बट SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होगा। ठीक है, चलो अब देखना बच्चा, इसमें ध्यान रखो, जब भी SN2 रिएक्शन होगा तो अटैक करेगा बैक साइड से। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, बट SN1 रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और SN2 में बैक साइड से अटैक होता है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चा, एक तो और भी समझे, कार्बोकैटायन इसमें बनता है, उसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, उसमें मतलब इसमें कहने का मतलब किसमें, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है और SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन को मैं कैसे समझाऊं, सपोज करो बच्चे, एक मिनट, एक मार्कर, सपोज करो बच्चा देखो, ये मेरे पास एक पेन है, सपोज करो ये मेरा हाथ, ये जो मेरा मुट्ठी है, सपोज ये कार्बन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ऐसा, तीसरा हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है, और फोर्थ इधर से बच्चा, ये सपोज करो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है। ठीक है, तो बच्चा जैसे इधर से अटैक करेगा तो धीरे धीरे ये ऐसा इन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं आ रहा, एक मिनट जब एक मैं समझा रहा हूं, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अभी इधर में देखना, जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये सपोज करो ये OH ग्रुप है, OH ने चलो क्लोरीन में ले लिया हूं। ठीक है, अगर बच्चा यहां से OH ऐसे अटैक करेगा, ऐसे करेगा, तो बेटा देखो अभी तक ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये क्लोरीन, तो बच्चा देखो यहां पे ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाएगा, तो इसका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट बच्चा जब ये अटैक कर लेगा बच्चा, ये सपोज करो कार्बन है ये, अब ये बच्चा ये हाइड्रोजन जो है ऐसे इन्वर्ट हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बच्चा ये देखो इधर से आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा और ये यहां पे OH अटैच हो जाएगा। तो बच्चा ये हाइड्रोजन, 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 ये तीनों एक साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा और ये यहां से फंक्शनल ग्रुप। तो देखो बेटा कॉन्फिगरेशन पहले ऐसे था, देखो बेटा ऐसे अम्ब्रेला ऐसे की तरह, और ये इन्वर्टेड हो गया, इसलिए मैं बोल सकता हूं जो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो रहा है, बट SN1 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन नहीं होगा, किसमें, SN1 में नहीं होगा, SN2 में होगा, क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वर्टेड हो जाएगा, इसमें ऐसा था अब ऐसा हो जाएगा। देखो बेटा ये इधर है, ये इधर हो गया, डन, चलो ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट देखो बच्चा, लास्ट पॉइंट क्या है, SN2 में, SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन, टर्शियरी हेलोएल्केन, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद SN2, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, SN सॉरी 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव प्राइमरी, उसके बाद सेकेंड में सेकेंडरी, थर्ड में टर्शियरी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम टर्शियरी। ठीक है, बट SN1 में रिवर्स उल्टा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी, डन, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू।